आराम करो, कोई मतलब नहीं बना जाके यार, बस एक काम लिया और कहां से कहां गया बिना लगा अपना खुद का पेट्रोल का नुकसान करवाया। गाइस आम लेकर हो गया है, अब फिलहाल अभी यहाँ से निकलता हूँ यार, कड़ी मेरा काम। तो गाइस अच्छा ये हुआ है कि मुझे लोग जाने लग गया हाय गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, भाई फिर से नए व्लॉग के साथ में स्वागत है भाई लोग। भाई आज बहुत जल्दी उठ गया हूँ क्योंकि रात को इतना तेज तूफान था ना कि सबका हालत खराब था यार। मेरे पप्पा सोए हुए थे, पप्पा उधर से हवा आ रहा था तो चलते उधर के साथ आ गए, तो बहुत तेज हवा था और रात भर परसन गया, खिड़की धर 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 जैसे अगर अब भी टूट जाएगा खिड़की यार, ऐसा हाल था, बहुत बुरा हाल था। अब फिलहाल अभी मैं चलता हूँ, पप्पा उधर ही थोड़ा पप्पा के सामने थोड़ा सा डरता हूँ। तो नाश्ता मैं क्या बना, नाश्ता जो बना रहा है वो आपको देखने मिलेगा, पहले नाश्ता करते हैं, ब्रश व्रश कर लो फिर उसके बाद नाश्ते में मिलते चलो। तो गाइस हमारा सुबह की चुस्की भरी चाय मम्मी ने लेके आ गया, तो ये रहा अपना चाय और ये रहा कौन सी कंपनी का बिस्किट। अरे यार देखो बारिश फिर से स्टार्ट हो गया यार, हमको बारिश दिख रही है पूरा, फिर से बारिश स्टार्ट हो गया और तेज तूफान है। ये अपने आप उसमें ना बेल्ट लगा के मैं खोज के रखा हूँ, मैं इसका कड़ी खड़ा हो चुका है ना, तो बेल्ट लगा के कुछ ना कुछ दिमाग लगा के मैं अंदर खोज के बंद करता हूँ, मैं ऐसा हाल हो गया यार। अभी फिर से तूफान उफान आना स्टार्ट हुआ, अभी देखो पूरा बारिश स्टार्ट हुआ ना, अभी पूरा चलेगा, मतलब कि मेरे को बाहर निकलने नहीं मिलेगा और मैं व्लॉग नहीं कर पाऊंगा, मतलब इसका ये कहना है, लेकिन ऐसा होने नहीं दूंगा मैं, कैसे भी करके निकलेंगे बाहर, व्लॉग करेंगे, यूट्यूब पर डालेंगे, आप तक पहुँचाएंगे। पहले तो मैं नाश्ता कर लूँ, नाश्ता करूँगा तो ही एनर्जी आएगा, एनर्जी आएगा तो फिर जाकर मैं बकूँगा, तो चलते फिर नाश्ता करते, नाश्ता करने के बाद मिलते, सीधी बात है। चलो देख सकते हो अभी फिलहाल बारिश तो नहीं है लेकिन हवा फिर से चालू हुआ है। बस एक चीज बताना चाहता हूँ, अभी बहुत तेज हवा चल रही है ना, तो सब अपना अपना बिस्तर पकड़ के सोए पड़े, अरे नगमा कहाँ सोए, माँ कहाँ सोए ना वो पता था, नगमा सबसे एंटी जगह पर सोए, मैं दिखाता हूँ। किचन में सोए नगमा कहा कैसा सोई पड़ेगा, सब अपने अपने कपड़े पड़े हुए और मैं भी बिना चादर के यहाँ पर सो रहा, क्योंकि चादर लगाते हुए तो फिर जाके चादर हमेशा फेंक देता है बाहर। हमारा व्लॉग अपलोड हो चुका है जैसे कि मम्मी देख रही है, तो आप भी फटाफट जाओ और व्लॉग देखो और इंजॉय करो, तब तक मैं जाता हूँ बाहर को व्लॉग करके आता हूँ, और ये व्लॉग आप कल देख लेना। आप निकलते चाय पीओ, चाय पीने के बाद फटाफट निकलते व्लॉग के लिए, व्लॉग खत्म भी करना है क्योंकि उसके बाद में जाना जिम है, तो फटक से जाते चाय पीते हो, चाय पीने के बाद में निकलते हैं डायरेक्टली व्लॉग कंटिन्यू करने। चलो फिलहाल चाय बन रहा है, मम्मी इधर चाय बना रही है, यहाँ पे अपना सवैया के लिए दूध, वो दूध गर्म कर रही है वो, और फटाफट चाय पीएंगे, चाय पीने के बाद निकलेंगे बाहर घूमने के लिए, थोड़ा मूड फ्रेश करके आएंगे। चलो अच्छा बहुत अच्छा किस्मत है, मैं सोचा 4 बजे वीडियो अपलोड करूँगा, आज पता नहीं क्या हुआ ना कि मैं सोचा नहीं जल्दी अपलोड कर रहा हूँ, 3 बजे अपलोड किया, जैसे अपलोड हुआ उसके 5 मिनट के बाद में लाइट गया है और वाईफाई अपना बंद, अगर वाईफाई नहीं रहता तो मैं अपना वीडियो अपलोड नहीं कर पाता भाई, लाइट अभी आएगा 2-4 घंटे के बाद। फिलहाल अभी चाय पे और निकलते भाई, बच गए किस्मत अच्छा है। चाय बन चुका है, चाय पीने के बाद में चलते हैं। फाइनली अब निकलने का टाइम आ गया, गाड़ी में पेट्रोल नहीं था तो पापा ने अपना गाड़ी से होटल में लेके आए, पेट्रोल में जा रहा था भराने के लिए, तो पापा क्या गया हूँ टेंशन नहीं है जाओ ये पेट्रोल लेके मुझे करो, जी पे क्यों रुका हुआ ये चल भी नहीं रहा यार, कोई रोक के रख देते भाई, मान बहुत ज्यादा नाश्ता, जैसे कोई आने वाला है तो उधर से आने वाला नहीं, यहाँ पे ये चिपते रहेगी कि मेरा बच्चा आएगा तो साथ में आएगा, अरे तुम ना रुक जाओ उतना टाइम में हम लोग नीचे आ जाएंगे, तो समझ है ही नहीं। ऊपर से देख लिफ्ट खराब है ये बिल्डिंग में, तो मुझे 1% भी मन नहीं करता रहने का,
1% में देखो 5 पे दबाया था, जा रहा 6-7 पे। क्या बोलूँ मैं इसको। आइए माइकल जैक्सन को देखो, माइकल जैक्सन को मेरे पीछे एनी टाइम लग रहे थे, तब भी अकेले जाने नहीं देती। बात भी सही है, यहाँ पे बहुत सारे कांड ऐसे हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा। तुमको क्या बताऊँ, इस बारे में सोचा इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाने का, लेकिन इसमें ना बहुत ज़्यादा लफड़ा हो जाएगा, मैं मेरा ऊपर बहुत कुछ हो सकता है, प्लीज़ कैसे लेकर बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए मैं उस टॉपिक पे वीडियो नहीं बना रहा। वो टॉपिक ऐसा रिलीजन पे आ जाएगा, इसलिए नहीं बना रहा हूँ उस टॉपिक पे। जो है बहुत ख़तरनाक ही है, जो अगर जो स्टोरी अगर मैं उस पर अगर वीडियो बनाया और मैंने बताया ना तो बहुत वायरल भी होगा और प्लस मेरे ऊपर में बहुत सारे एक्शन भी आ जाएंगे, तो मैं नहीं चाहता हूँ। फिलहाल लिफ्ट आ चुका है, ये सब बात पर ध्यान निकलते हैं, अपना ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। जो साफ सुथरा ब्लॉग रहता है वही रहेगा, किसी से कोई झगड़ा नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं। चलो लिफ्ट आ चुका है और निकलते हैं, कोई हेट नहीं, कोई नफरत नहीं। बाप रे। घूमने के लिए जा रहे हैं, अब डिसाइड नहीं है कि कहाँ जाएंगे क्या करेंगे। तो गाइस अच्छा ये हुआ है कि मुझे लोग जानने लगे। अभी ये दो लड़के हे मिस ब्रदर ऐसे करके बुला रहा था मैं ऐसा देख रहा हूँ किसको बुला रहा है, किसको बुला रहा था। बाद में मालूम पड़ा मिस ब्रदर तो मेरा ही चैनल है यार, तो मुझे इस नाम से बुला रहा है, अब मेरे को कोई देख रहा है। धीरे धीरे लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। और बंगाल जाने के बाद मैं व्यूज एकदम से घट गया था, लेकिन फिलहाल फिर से अभी चल रहा है, ऊपर लगा देर से अच्छा चला और लोग मुझे जान रहे हैं, बहुत अच्छा बात है। फिलहाल अभी यहाँ से निकलते हैं। तो मम्मी आम लेने आ गई। अगर आप लोग यहाँ से व्लॉग देख रहे हो ना तो यहाँ पे जरूर आना आम लेने के लिए। 100 रुपया में बहुत ज्यादा मिल जाता है, 1 से 1.5 किलो मिल जाता है। क्या कहा कि 1 किलो मिल जाता है ना आम, 1 किलो मिल जाता है ना, इसलिए तो हम लोग उधर से गांधीनगर से इधर आते लेने के लिए। हाँ अच्छा भी रहता है, खा के पेट भर जाता है। हाँ हाँ देसी है, देसी है, देसी है। ये वाला अच्छा। तो गाइस मासी तो बोले ये वाला रिकमेंड किया है कि ये वाला लेके जाओ, इसमें इतनी सी भी निकलेगी और खाने के लिए बहुत ज़्यादा निकलेगा। तो ये वाला आम सोच रहे लेके जाते हैं और यहाँ से निकलता हूँ घर पे। ये भाई बहुत लंबा सफ़र कर लिया यहाँ से वहाँ दौड़ के कुछ अलग प्लानिंग था, कुछ अलग हो गया एकदम, कहाँ से कहाँ उठ के हम लोग आ गए। अभी आम ले गाइस आम लेकर हो गया है, अब फिलहाल अभी यहाँ से निकलता हूँ यार। गाड़ी मेरा कहाँ खड़ा है, गाड़ी है खड़ी रही और अपन निकलते हैं डायरेक्ट, अभी घर पे मिलते हैं। आ गया अपने बिल्डिंग में, अभी चलता हूँ घर पे, थोड़ा आराम करो। कोई मतलब नहीं बना था आगे यार, बस एक काम लिया और कहाँ से कहाँ गया है, बिना लगा अपना खुद का पेट्रोल का नुकसान करवाया है, बहुत लंबा घूम लिया है, ऊपर से इतना हवा चला आँख में, इतना धूल मिट्टी जा रही है ना। अभी जिम जाने के रेडी से तो फिर सो गया हूँ और फटाफट निकलता हूँ जिम के लिए। आज जाते हैं जल्दी जिम में, कुछ 6:30 बजे जिम में निकल रहा हूँ, क्योंकि बच्चे से पढ़ा है कहाँ पढ़ा रहता है, क्योंकि उस दिन शनिवार को मैं सैटरडे को जिम नहीं गया था, इसलिए मैं आज सोच रहा हूँ कि कुछ आधा घंटा एक्स्ट्रा करूँगा, मैं कार्डियो करूँगा, कम से कम 45 से 50 मिनट्स कार्डियो करूँगा, फिर आधा से एक घंटा वेट लिफ्टिंग करूँगा। फिलहाल रखता हूँ और चलते हैं, चलो जिम के बाद मिलता हूँ। तो गाइस मैं फाइनली जिम पहुँच चुका, सामने ही जिम है अपना, ये रहा इसका नाम नहीं बताऊँगा, और मैं जा रहा हूँ फिलहाल जिम करने के लिए और बहुत जल्दी मिलता हूँ। बस ऐसा करूँगा फिर फटाक से मैं आ जाऊँगा। देखो ये ऐसा किया फिर मिलता हूँ। सो गाइस जैसे कि बोला था ना 1 से 2 मिनट में वापस आ जाऊंगा, लेकिन गेटअप चेंज हो गया और आपको क्या बताऊं कि 1 से 2 मिनट कितना लग गया। फिलहाल अभी जिम से आया हूं, तो जिम से आने के बाद जस्ट मम्मी ने खाना,
वहाँ इतना खाना तू कहाँ दे देता है कि दिखाने में इतना ज्यादा लग जाता है कि लगे मैं भुक्कड़ हूँ, इतना ज्यादा खाता हूँ। खाता इतना ही सही हो यार, या अंडा फ्राई राइस है, चटनी और अचार है, और खा लूँ। खाने के बाद नीचे चलते हैं, नीचे थोड़ा सा घूम फिर लेते हैं। आज का व्लॉग बहुत एंटिक हुआ है, यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ, बहुत एंटिक हुआ है कि मेरे को एडिट करने में बहुत प्रॉब्लम होगा। देखो गाइस थोड़ा नीचे चलते हुए, लिफ्ट तो आने से रहा तो मैं सीढ़ी का सहारा लिया हूँ। तो पापा मतलब कि मैं जा रहा हूँ नीचे, इसलिए कि पापा का पूरा बॉडी पेन हो रहा है, तो मैं जा रहा हूँ दबाव वाला लेने के लिए। यार मम्मी और बहन नीचे पहले से ही है, मुझे नीचे जाना है, थोड़ा मैं भी थोड़ा टहल के टाइम पास वापस करके फिर आ जाऊँगा दबाव वाला लेके। फिलहाल चलता हूँ नीचे। आए तो देखो बारिश पूरा चालू वालू हो गया है और मम्मी लोग वहाँ पे बैठे हुए सब अपने गप्पे सप्पे मार रहे थे वहाँ पे। औरतों का गप्पा शप्पा मारना कम नहीं होता, भले बारिश कितना भी आ जाए, लेकिन वहाँ पे कोपचा कोई पकड़ के गप्पे शप्पे तो मारेंगे। देखो पूरा बारिश चालू हुआ यार फिलहाल सामने ही अपना मेडिकल से दवा लेते फिर चलेंगे घर पर, क्योंकि बाहर निकल नहीं सकते, बारिश आ रही है भाई। बदन हाथ दर्द का पापा के लिए दवा देना, वो बॉडी पेन हो रहा था। अभी खाने का। सो गाइस ये वीडियो यहीं पे एंड करने का आया। आज का व्लॉग कैसा था, क्या था, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मैंने ऐसा लगा नहीं कि ये व्लॉग में मैंने कुछ मेहनत किया या कुछ किया, क्योंकि बारिश भी आया था, इसकी वजह से मैं ना व्लॉग ज़्यादा अच्छे से कर पाया, और जो भी हुआ इधर से उधर हुआ तो मुझे लग नहीं रहा है कि व्लॉग इतना खास हुआ होगा। लेकिन जो भी है डेली है, और डेली कुछ ना कुछ करना पड़ता है तो मैं करता हूँ, और आप लोग को देखने मिलता है। तो मैं इसमें ऐसा तो नहीं बोलूँगा कल कैसा ब्लॉग बना, जो भी बने इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा, कल भी बहुत अच्छे से ब्लॉग स्टार्ट होगा। लेकिन ये ब्लॉग का तो मैं यहीं पेंट करना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय, टेक केयर, ध्यान रखो, दुआ करो बहुत जल्दी आगे बढ़ो, और बहुत अच्छा अच्छा ब्लॉग आपको देखने मिले। फिलहाल अभी तो चलता हूँ, बाय, सोने जाने का, क्योंकि सुबह से ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ मैं।